जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का 2 सितंबर 2021 को कम उम्र में अचानक निधन हो गया। लोग स्तब्ध थे और विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई है। लोग हैरान थे क्योंकि उनकी उम्र महज 40 साल की थी। मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का भी 50 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कई युवा, मशहूर हस्तियां और नागरिक दिल के दौरे से पीड़ित है। इसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यह आमतौर पर 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में आम माना जाता है। हालांकि अब 50 साल से कम उम्र के लोगों को भी दिल का दौरा हो रहा है। यह बहुत चौंकाने वाला है। तो दिल का दौरा पड़ने का क्या कारण है? दिल का दौरा एक ऐसी स्थिति है जिसमें हृदय में रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। कई संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे फैट का जमा होना, कोलेस्ट्रॉल, अस्वास्थ्यकर तेलीय भोजन और अन्य पदार्थ खाने से दिल का दौरा पड़ सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि 30 और 40 के साल के लोगों में दिल के दौरे में वृद्धि हुई है। पहले यह केवल वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करता था, लेकिन अब समय बदल गया है। डॉक्टरों का कहना है कि इसका कारण अस्वास्थ्यकर जीवन शैली और खान पान है। मुख्य समस्या धूम्रपान है और यह सबसे खतरनाक है। अत्यधिक धूम्रपान से दिल का दौरा पड़ सकता है। अस्वास्थ्यकर पदार्थ खाने से प्लाक का निर्माण हो सकता है, जो दिल के दौरे का कारण बनने वाली धमनियों को अवरुद्ध कर सकता है। इससे बड़ी समस्या हो सकती है। दिल के दौरे के लक्षण क्या है? उदाहरण के लिए, बैती नाक, खांसी, गले में खराश, स्वाद और सूंघने में कमी कोरोना वायरस के लक्षण है। अब मैं आपको बताता हूं कि किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ रहा है तो क्या लक्षण है। सीने में जकड़न, दर्द और दबाव। उबकी और पेट में जलन। छोटी छोटी शारीरिक गतिविधियां करने के बाद सांस फूलना। ठंडा पसीना। थकान, चिंता या पसीना आना। असमान दिल की धड़कन। ये है दिल के दौरे के लक्षण। इन लक्षणों की गंभीरता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। दिल के दौरे के जोखिम को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा सुझाए गए कुछ सुझाव यहां दिए गए हैं। डॉक्टर साल में एक बार या 6 महीने में एक बार पूरे शरीर की जांच की सलाह देते हैं। दिल के दौरे से बचने के लिए अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ खाने से होने वाले रक्तचाप, रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जाना चाहिए। नियमित परीक्षण किए जाने चाहिए ताकि डॉक्टर दवाएं और व्यायाम लिख सके। भारत दुनिया में दिल के दौरे का केंद्र बनता जा रहा है।
इसका कारण है प्रदूषण, अस्वास्थ्यकर आहार की आदतें, गतिहीन जीवन शैली, तेलीय भोजन और ट्रांस फैट जैसे फैट्स खाने से दिल के दौरा पड़ रहा है। तो आप दिल के दौरे को कैसे रोकेंगे? डॉक्टरों का कहना है कि स्वस्थ आहार जिसमें फल सब्जियां शामिल हो, जो सही समय पर खाई जाए, तेल का सेवन कम करना, खाद्य लेबल की जांच करके ट्रांस फैट का सेवन रोकना, और स्वस्थ भोजन खाने से मदद मिलेगी। दिन में एक बार आधे घंटे के लिए व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा और दिल के दौरे को रोकेगा।